तो क्या पिछले क्लास में बताया था, याद है? वो हो गया ना, इसके कमांड परमिशन देना और परमिशन छीनना, या बैन ऑफ कर दो ना, यहाँ बैन ऑफ कर दो। सिलेबस क्या है, कि अलग चीज है, क्या है एग्जाम का क्वेश्चन है। फाइंड द सीट्स ऑफ सेल्स एग्जीक्यूटिव who took trip to Bangalore for 7 days with expense ranging between 5,000 and 9,000. ठीक तो है, between and लगेगा। 7 days मतलब 7 days से क्या मतलब? ये तो कह रहा है कि 7 दिन के लिए गया, ठीक है, और एक्सपेंस किया 5,000 to 9,000, उसके बीच निकाल देना है। अब ये सीट मालूम करना है कि सीट क्या है, कॉलम नेम है ना, सीट ऑफ सेल्स और 7 days दे रहा है तो सीट्स ऑफ सेल्स क्वेश्चन क्लैरिटी नहीं लगता। तो निकाल दो सेलेक्ट अस्ट्रिक्स फ्रॉम सेलेक्ट सीट्स फ्रॉम टेबल का नेम क्या है, सेल्स एग्जीक्यूटिव, सेलेक्ट सीट्स ऑफ select seat from sales executive where expenses between 5,000 and 9,000. 7 days वाला कुछ सही नहीं, वही समझे, 7 days लिखा है, 7 days में इतना expense, इतना से इतना के बीच expense, वो नहीं ना लिख रहा है कि 7 days का निकालना है ना। क्लैरिटी खाली सीट का निकाल दो, सीट कितना कितना किया है, वो एग्जाम में है, प्रीवियस ईयर, अच्छा दूसरे एग्जाम का है, तो लगा क्या तो अब हम लोग के पढ़ना है क्या, ठीक है, व्यू लास्ट है आप लोग का। तो देखिए व्यू का पर्पस क्या है, व्यू एक तरह से हम लोग टेबल को एक से ज्यादा पार्ट में लॉजिकली डिवाइड कर सकते हैं। क्या डिवाइड कर सकते हैं, लॉजिकली और फिजिकली में क्या डिफरेंस, फिजिकल डिवाइड करने का मतलब क्या होगा, तुमको फिजिकल डिवाइड करने का मतलब तुमको हम लॉजिकल डिवाइड कर और फिजिकल डिवाइड कर, दोनों में क्या अंतर, फिजिकल डिवाइड करेंगे कि बीच में कैसे अलग अलग, और लॉजिकल मतलब क्या होगा, मान लें तुम कितना आदमी हो, 2 आदमी, लॉजिकल बात समझते हो, लॉजिकल मतलब एक लॉजिक बनाते, लॉजिकल डिवाइड ऐसा जैसे ये बिल्डिंग है, ठीक है, एक हम मान लिए कि यहां से अलग हो गया सेकेंड पार्ट और इधर से इधर क्या हो जाए फर्स्ट पार्ट, है ना, और एक हो गया कि दीवार खड़ा कर दी, वो क्या हो गया फिजिकल में हो गया कि फिक्स हो, मतलब ये रूम का अस्तित्व ही खत्म हो गया, है ना, जैसे इस रूम का नाम था आर, अब आर खत्म हो गया, फिजिकल में R1 हो गया और क्या हो गया R2, और लॉजिकल डिवाइड में आर रहेगा
और आर वन इसको बोलेंगे, कहेंगे कि वहां के बाद आर टू बोलेंगे, लेकिन आर खत्म नहीं। तो ये होता है लॉजिकल और ये क्या होता है फिजिकल। फिजिकल मतलब एग्जैक्ट हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पर टेबल जैसे देखिए हम क्या बता रहे हैं कि व्यू में करते क्या है, जैसे एक आपके पास टेबल है टी वन टी नाम है ना। अब इसमें आपको 1 2 3 4 5 6 कॉलम है, ठीक है। अब इसको कहो कि आप दो भाग में बांट, यानी कि टी वन ये हो गया 1 2 3 और टी टू ये हो गया 4 5, मतलब तीन कॉलम इसमें हो गया, तीन कॉलम इसमें हो गया। तो अगर लॉजिकल फिजिकल बांटते हैं ये टी टेबल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब नया टेबल क्या हो जाएगा, टी वन और। लेकिन लॉजिकल अगर आप बांटते हैं तो ये टी वन और टी टू और टी भी रहेगा, क्या रहेगा, यानी कि लॉजिकल जब आप टेबल को बांटते हैं तो वो टेबल नहीं कहलाता है, क्या कहलाता है, ये क्या हो गया T1 और T2 क्या हो गया, टी हो गया, और T क्या है, टेबल। यानी किसी टेबल को आप लॉजिकली एक से ज्यादा भाग में डिवाइड करते हैं तो उसी डिवाइड को हम लोग क्या बोलते हैं, टेबल। अब इसका बनाने का पर्पस क्या है, क्यों हम लोग लॉजिकल डिवाइड करते हैं, इसको समझता है क्या की पर्पस क्या है। जैसे देखिए सपोज आपके पास टी टेबल है, टी टेबल में कितना कॉलम है, 6 कॉलम है। अब क्या होता है कि जैसे एक टेबल पर है ना बहुत सारे कॉलम्स होते हैं, 50-60 कॉलम होते, तो हम टेबल को ना छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड करते हैं। 50 कॉलम को मैनेज करना क्या हो जाता है, टफ हो जाता है। 50 कॉलम, 50 तो कम बोलते हैं, 200-300 कॉलम रहता है सारे, उसको मैनेज करना क्या हो जाता है, टफ हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या बना लेते हैं कि टेबल को पार्टीशन कर देते हैं, क्या कर देते हैं, पार्टीशन। पार्टीशन मतलब लॉजिकल पार्टीशन, फिजिकल नहीं है ना, लॉजिकल पार्टीशन कर दिए कि ये तीन कॉलम इसमें और तीन कॉलम इसमें कर दिए, बाय द वे 6 कॉलम। अब टी वन दे दिए तुमको और टी टू दे दिए तुम लोग को, टी नहीं दिए, क्या दे दिए, टी वन और। अब क्या होगा कि अगर T1 में कोई चीज ये इंसर्ट करेगा या डिलीट करेगा या अपडेट करेगा तो इसका रिफ्लेक्शन कहाँ जाएगा, T में भी जाएगा, ठीक है। और T2 में अगर ये करेगा इंसर्ट अपडेट डिलीट तो इसका रिफ्लेक्शन कहाँ जाएगा, फिर T में जाएगा। तो यहाँ पर जो बॉस बैठा हुआ है T में वो बस देख रहा है कि T1 किया है T2 किया है, और आसानी भी होगा क्योंकि इसको कितने कॉलम पर काम करना है, तीन कॉलम पर, इसको भी कितने कॉलम पर काम करना है, तीन कॉलम पर। इस तरह हम लोग लॉजिकल पार्ट, क्लियर है, समझ गए। और क्या रीजन होगा तो उसको बताते हैं। जैसे सपोज कब व्यू की जरूरत पड़े, जैसे सपोज क्या हो गया कि अगर हम लोग व्यू हम लोग कुछ देर के लिए बनाते हैं, अब जैसे खत्म हो गया काम, उसमें इंसर्शन डिलीशन खत्म हो गया, दोनों व्यू को क्या कर देंगे, कर देंगे T1 T2 को, मेरा T बचा रहेगा। तो अब देखिए जैसे कभी जब क्या जरूरत पड़ेगा, सपोज आप टेबल पहले खोलिए और हम बताते हैं कब जरूरत पड़ेगा। एज फास्ट काम करता है क्या, रोम से हट गया, रोम से ज्यादा फास्ट हो गया एज, नहीं पहले तो आदमी एज ही यूज करता था ना, मेरे सिस्टम में प्रॉब्लम आ रहा है, स्टार्ट भी बहुत लेट से क्या,
केमी का इसी को बोलते हैं। हाँ क्या आप पेंसिल हाँ क्यों तो क्या मतलब क्या जरूरी नहीं नहीं मेंट रहता तो अपने आप को चलो उस पे बाद में बात करते हैं। हाँ तो क्या जैसे देखिए एक टेबल है ना इसमें एम्प्लॉई नाम का सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम ये टेबल आ गया। अब जैसे एक हम लोग बनाते हैं सेलेक्ट मैक्स सैलरी और मीन सैलरी फ्रॉम ठीक है और ग्रुप बाय डिपार्टमेंट और एक हम लोग डिपार्टमेंट आईडी प्रिंट कराते हैं। हर एक डिपार्टमेंट का मैक्सिमम और मिनिमम सैलरी देगा ये भी तो एक तरह से टेबल है। कितना कॉलम है इसमें क्योंकि क्वेरी का जो रिजल्ट आता है वो भी किस फॉर्मेट में आता है डीबीएमएस टेबलर फॉर्मेट। अब इस टेबल पर आपको 5 दिन काम किसी पर है ना कहेगा कि 69 वाला किस डिपार्टमेंट है जिसमें मेन सैलरी 69 किस डिपार्टमेंट काम कर। अब क्या करेंगे आप ये टेबल पर आपको काम करना है 4 को। अब आपको काम करना होगा जैसे सपोज अब इसमें है कि 69,000 वाले को सिर्फ इसको दिखाओ 69,000 वाले तो हम लोग क्या लिखेंगे हैविंग लिखेंगे ना क्योंकि यहां पर क्या है ये मेन सैलरी वाला कॉलम है लिखेंगे हैविंग है ना 6900 हैविंग मेन सैलरी इक्वल्स टू 69 ये होगा तो आपको दिखाएगा कौन सा सिर्फ ऊपर वाला ये दिखाया ठीक है। अब उसके बाद सपोज आपको कभी कहेगा जिनका मैक्स सैलरी 11,000 है उनको दिखाओ इतना तो लिखना पड़ेगा हैविंग मैक्स सैलरी क्या लिखेंगे 11,000। अब देखिए इस पर आपको 3-4 दिन काम होगा तो इतना आपको बार बार लिखना पड़ेगा जब तक इतना नहीं लिखेगा ये आएगा और इतना के बाद आपको काम तो क्यों ना इस पर लगातार 4 दिन काम है तो इसको हम लोग क्या बना लें व्यू बना क्या बना लें व्यू बना तो व्यू भी ये क्या होता है टेबल ही होता है क्या होता है तो ये फिजिकल नहीं हो गया ये क्या हो गया लॉजिकल है ना टेबल नहीं बनाएंगे टेबल मतलब ये टेबल बन जाएगा है ना और हम लोग एक व्यू बना लेंगे और जितना दिन होगा उतना दिन काम करेंगे और फिर व्यू को क्या कर देंगे ऐसे भी व्यू बनाते हैं कि जो टेबल पर हमको कुछ दिन के लिए क्या है काम है। और व्यू बनाने से फायदा क्या होगा देखिएगा इतना आपको नहीं लिखना पड़ेगा रोज है ना इसका नाम देंगे देखिए क्या नाम दे देंगे सपोज आप देखिए इतना क्वेरी लिखेंगे और इतना को हम लोग नाम देख देंगे क्या V1 क्या नाम दे देंगे V1 और हम लोग व्यू पर ऐसे लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम V1 where mean salary greater than equal to 6900 तो निकाल दो। अब इतना जो हमको लिखना पड़ा सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी मैक्स मीन फ्रॉम एम्प्लॉई ग्रुप बाय इतना लिखने की जरूरत और जो भी इस पर अब काम करना बंद कर दिए वो व्यू को क्या कर देंगे डिलीट कर देंगे तो टेबल नहीं बनाएंगे क्या बनाएंगे व्यू।
आइए देखिए कैसे हम लोग व्यू बनाते हैं। तो व्यू एक क्या है, लॉजिकल टेबल है, तो कुछ समय के लिए हम लोग बनाते हैं काम निकालने के लिए, उसके बाद क्या कर देते हैं, जैसे वही चीज है कि कुछ समय के लिए हम लोग मान लिए है ना कि भाई इतना से उधर दूसरा है, इधर इधर है, फिर मेरा काम निकल गया तो क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। तो ये है अंतर। अब आइए व्यू कैसे हम लोग बनाते हैं। व्यू इन एसक्यूएल आर काउंट ऑफ वर्चुअल टेबल। वर्चुअल समझ रहे हैं, वर्चुअल समझते हो, व्हाट डू यू मीन बाय वर्चुअल? क्यों कंप्यूटर चिप फील्ड का बच्चा है वर्चुअल नहीं समझता? वर्चुअल क्या होता है, क्या फिजिकल नहीं, वर्चुअल का मतलब क्या होता है, काल्पनिक, इमेजिनरी, लॉजिकल, ठीक है ना, उसको बोलते हैं वर्चुअल। मान लिए ठीक है, ए व्यू ऑल्सो हैज रोज एंड कॉलम्स। व्यू के पास भी क्या होता है, दैट किसके जैसा, टेबल जैसा। दे आर इन ए रियल टेबल इन द डेटाबेस। ये रियल टेबल होते हैं डेटाबेस में, लेकिन आपको ये क्या होता है, वर्चुअल होता है। वी कैन क्रिएट व्यू बाय सिलेक्टिंग फील्ड्स फ्रॉम वन और मोर टेबल। एक या दो से टेबल से ही क्या बनता है, व्यू। हम लोग एक टेबल को भी मिला के व्यू बनाएंगे और दो टेबल को मिला के भी व्यू बनाएंगे। ए व्यू कैन इधर हैव ऑल द रोज ऑफ ए टेबल और अ स्पेसिफिक रोज बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन। आप चाहते हैं कि एक व्यू में किसी टेबल का सारा रो हो या किसी टेबल का स्पेसिफिक रो भी, सारा नहीं, समझ गया। व्यू कैसे बनाते हैं, क्रिएट व्यू से व्यू बनाते हैं। रिप्लेस हम बताते हैं, ये रिप्लेस आपको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है और स्क्वायर ब्रैकेट का चीजें क्या होता है, ऑप्शनल। क्या होता है, तो और रिप्लेस आपका ऑप्शनल चीज है, दे भी सकते हैं, कब देंगे वो पता है। तो क्रिएट व्यू, उसके बाद क्या दिखेंगे, व्यू नेम। क्या है व्यू नेम, एज जिस टेबल से आपको बनाना है व्यू, उसी टेबल से आप बनाएं, एक कमांड लिखेंगे सेलेक्ट। आइए हम एक व्यू बनाते हैं, क्या बनाते हैं, व्यू बनाते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे, जस्ट ऐसे ही क्रिएट व्यू, रिप्लेस नहीं दिए हैं, क्रिएट व्यू, क्रिएट व्यू, व्यू नेम, व्यू नेम हम लोग गिवन रख देते हैं। क्या रख देते हैं, एज। एज के बाद कह रहा है कि किस टेबल से रिकॉर्ड लेना है, उस टेबल का पूरा क्वेरी लिखना। तो यही हमको व्यू बनाना है, क्या बनाना है, यही वाला बनाना है। एज लिख के और इस क्वेरी को क्या कर देंगे, हो गया। समझ गए, एज लिख के इस क्वेरी को डाल देंगे तो गिवन में कौन सा कॉलम होगा, ये तीन, ये बन जाएगा आपको मस्ट नेम दिस एक्सप्रेशन विथ ए कॉलम एलियास। कह रहा है कॉलम का एलियास नेम डालिए, ऐसे कॉलम नहीं चलेगा क्योंकि व्यू में टेबल होगा, टेबल में ऐसे कॉलम नहीं चलेगा। तो इसको एलियास नेम हम लोग डाल दे रहे हैं, मैक्स सैलरी, और इसका एलियास नेम डाल रहे हैं मीन सेल। यानी व्यू में आपका जो कॉलम का नेम आएगा वो मैक्स सैलरी आएगा और क्या आएगा, देखिए व्यू बन गया। अब इसमें जाइएगा, सेलेक्ट स्ट्रिक्स फ्रॉम टैब, है ना, तो इसको आप देखिएगा तो एक व्यू दिखाएगा व्यू है। अब आप कीजिएगा व्यू जस्ट लाइक टेबल जैसा, सारा कमांड टेबल वाला सेलेक्ट का काम है, यानी कि व्यू बने क्या बन गया, टेबल बन गया। आप देखिए सेलेक्ट स्ट्रिक्स फ्रॉम, तो ये आप देखेंगे सेलेक्ट स्ट्रिक्स फ्रॉम वी वन, आप देखिएगा यही वाला दिखाई बन गया टेबल, ये टेबल अब आपके हो गया। अब आपको इसमें करना है 6900 वाला देखना है, तो वेयर क्या है, मीन सैलरी इक्वल्स टू,
अभी 69 16 दिखाए, मेन सैलरी को हम लोग क्या किया है ना कि नाम वैसे दे दिया, एक चीज गलती की है। कभी भी अंडर स्कोर हम लोग को देना चाहिए, और अंडर स्कोर देना चाहिए, बिना अंडर स्कोर नहीं लेगा, ये वेरिएबल नेम हो गया ना। यहाँ पर हम लोग ऐसे डालेंगे तो वहां पर है ही नहीं, ये एरर बताया था। ठीक है, अब इसको क्या करना होगा, मॉडिफाई। देखिए क्या अल्टर नहीं चलाएंगे इसको, कॉलम का नेम नहीं, नहीं कॉलम का नेम इसका नहीं चेंज करना, अल्टर नहीं चलेगा, अल्टर टेबल पर चलता है। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या है, अगर हम दूसरा व्यू बनाएंगे तो ये V1 तो नहीं बनेगा, नहीं ना बनेगा, क्योंकि V1 ऑलरेडी क्या हो चुका है, बन चुका है। लेकिन यहां पर सिंटेक्स में देखेंगे क्रिएट और रिप्लेस, क्रिएट और रिप्लेस दोनों यूज कीजिएगा, जो पहले से बना हुआ होगा उसको रिप्लेस कर देगा, और जो पहले से नहीं बना होगा उसको क्या कर देगा, क्रिएट कर देगा। इसीलिए क्या है और रिप्लेस, यहां पर V1 पहले से बना हुआ है तो यहां पर लिखेंगे क्रिएट और रिप्लेस। अब अगर V1 बना हुआ है तो V1 को बना के क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, तो यहां पर खाली ये डाल दो, मीन्स क्लियर है। अब ये इसीलिए क्रिएट और रिप्लेस बन गया, ये बन गया। ठीक है, अब ये आपका मीन सैलरी लगता है इंटरनल नहीं ले रहा है ना, इंटरनल आपको जो है वो आपको हमको इसी तरह देना पड़ेगा। यानी कि यहां पर व्यू में वो काम नहीं कर रहा है लॉजिकल के, अच्छा एक काम कर सकते हैं, कैसे लिखते हैं, हैविंग ना वेयर के जगह पर हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, क्यों नहीं ले रहा है, हैविंग मीन सैलरी, स्पेलिंग सही है, क्या डिपार्टमेंट आईडी वर्ष 200 यहां पर लिख देंगे हम लोग, डिपार्टमेंट आईडी रन कर जा रहा है। ठीक है, तो ये क्यों नहीं रन कर रहा है भाई, मी सैलरी 6900 मेन सैलरी इनवैलिड आइडेंटिफायर, पूरा कैपिटल और स्मॉल की तो बात ही नहीं, इसमें हम लोग एक काम कर सकते हैं, ये तो जरूरी नहीं, हम लोग इसमें
क्या कैपिटल में किसको हैविंग हैविंग कहेगा जब ग्रुप बाय लगेगा तभी। सैलरी नाम किस पे दे ही नहीं रहा है, मेन सैलरी कहाँ मिनिमम सैलरी। अच्छा ये इसको देखना पड़ेगा क्यों नहीं आ रहा, मीन और मैक्स दोनों में नहीं आ रहा है ना। मैक्स 7,000। चलिए छोड़िए इसको, ये सवाल कर रहा है पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। मैक्स सैलरी तो निकाल रहे हैं। चलिए और दूसरा व्यू बनाते हैं उसको बाद में देखेंगे। जैसे हम इसी टेबल से एक हम लोग व्यू बनाते हैं, एक हम लोग अलग टेबल बना लेते हैं, इस टेबल को छेड़छाड़ नहीं करते। क्या आईडी क्या डिपार्टमेंट आईडी से तो ही जा रहा है, डिपार्टमेंट आईडी हो जा रहा है, डिपार्टमेंट आईडी वॉज टू 100 है ना, आ रहा 100। क्या सब डालेंगे तब आएगा, मैं भी वही देखना पड़ेगा ना क्यों नहीं सपोर्ट करता है। टेबल जब बन जा रहा है सारा काम हो जा रहा है ना, ये एक तरह से व्यू सेलेक्ट स्ट्रिक्स फ्रॉम V1 कर रहे हैं, ये आ जा रहा है आपको, यानी कि इसमें ये क्या हो गया कॉलम हो गया। टेबल अगर हम लोग बना दे टेबल तो काम कर जाता, ये कॉलम हो गया। मैक्स व्यू अगर हम लोग इसको डेस्क गिवन करें, डेस्क क्या पड़ता है डिस्क्रिप्शन ना, मैक्स सैलरी है, नंबर है ठीक है, और मेन सैलरी है, दोनों का कॉलम बन गया है। जब कॉलम बन गया है पेयर लिखने के बाद इनवैलिड आइडेंटिफायर क्यों दे रहा है समझ नहीं आ रहा, जबकि डिपार्टमेंट आईडी है, मैक्स सैलरी है, मैक्स अंडरस्कोर सैलरी, ये डॉट नहीं ना आगे दिया हुआ है, नहीं ये अंडरलाइन है ना, ये डॉट नहीं ना है, ये तो अंडरलाइन, ये मेन सैलरी वो बहुत लिख रहे हैं तो उसी, तो ये क्यों दे रहा है समझ नहीं आ रहा। मेन सैलरी इनवैलिड आइडेंटिफायर, मेन सैलरी वो जो इनवैलिड। अब हम लोग इसको यहाँ पर एज करके देखते हैं, एज मैक्स सैलरी, और यहाँ पर भी एज मीन ठीक है, और क्रिएट और रिप्लेस करेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा रिप्लेस। डबल कोट वाला से नहीं होता ना। तो देखिए यहां पर
हो गया मेन सैलरी मैक्स। अब काम करें तो देखिए इस बनाने से क्या फायदा हुआ, क्यों बनाने से बताइए। टेबल छोटा तो ये लिखने के बाद भी होगा। देखिए अगर ये वाला आपको चाहिए, ये रिकॉर्ड इतना चाहिए, जिन जिन उस डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट आईडी और मैक्सिमम सैलरी बताओ जिसका मिनिमम सैलरी क्या हो 69, यही ना है। अब आपको ये लिखने के लिए पूरा थी, अगर ये नहीं बनाए रहते तो आपको पूरा ये क्वेरी और उसके बाद भी फिर लिखना पड़ता है भी मिनिमम मीन सैलरी इक्वल टू 69। तो एक बार के लिए नहीं बनाएंगे, एक बार ये काम करना है तो नहीं बनाएंगे, क्योंकि एक बार बनाते समय भी तो इतना लिखे। अब आपको तीन चार दिन इस पे काम है, फिर काम है, फिर कोई अगला आया, बॉस आया और ये बोल दिया, जैसे आपको ये है, बोल दिया कि जो डिपार्टमेंट में मैक्सिमम सैलरी 13,000 है उसको दिखाओ, तो फिर आपको पूरा इतना लिखना पड़ता, पहले तो इतना लिखना पड़ता, इतना लिखिएगा तब इतना आएगा, ये आया कि नहीं। इतना लिखने के बाद फिर आप लिखते हैविंग मैक्स सैलरी इक्वल टू 13,000। अब आप ये बना के रख दिए हैं व्यू, सेलेक्ट स्ट्रिक्स फ्रॉम व्यू वेयर मैक्स सैलरी क्या लिखेंगे, ठीक है, तो निकल गया। ये काम आपको आसान कर दिया है, इतना रोज रोज नहीं लिखना पड़ेगा। और जब इस पे काम खत्म हो गया कि अब इस पे काम नहीं है, हम लोग व्यू को क्या कर देंगे, डिलीट कर, और डिलीट करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ड्रॉप व्यू, और व्यू का नेम क्या है, और इसको हम लोग और पर्च कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको परमानेंटली पर, जिसमें हो सकता है काम नहीं करे, टेबल में तो काम कर जा रहा है, ये क्या हो गया ड्रॉप। अब एक बार हम डिलीट करने के बाद रिकॉल कर सकते हैं, वो फाइल से फिर लाना पड़ेगा, कमांड के थ्रू नहीं, ठीक है, फाइल से जो जहां पर ये स्टोर होता है, ठीक है, यहां से नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर देखिए आपको एक बार देखते हैं व्यू को, सेलेक्ट स्ट्रिक्स फ्रॉम क्या टैब ना, व्यू डिलीट होगा, टेबल अगर आप डिलीट करेंगे टेबल परमानेंट डिलीट नहीं हो, ये आपको जैसे देखिए EMP1 को हम डिलीट करेंगे तो ड्रॉप क्या लिखेंगे, ड्रॉप टेबल EMP1, तो ये अगर हम लोग डिलीट करेंगे तो ये परमानेंटली नहीं, रिसाइकिल बिन में जाए, ड्रॉप हो गया। लेकिन सेलेक्ट स्ट्रिक्स फ्रॉम टैब कीजिएगा, देखिए यही वो टेबल है, ये नीचे दिखा रहा है, ये यही है वो टेबल, इसको रिकवर यहाँ से नहीं होगा, इसको रिकवर फिर रिसाइकिल बिन में, मतलब इसके रिसाइकिल बिन में जाके करना हो, और अगर परमानेंटली डिलीट करना हो, ये परमानेंटली डिलीट हो जाए, जैसे आपको टीचर वन है तो अभी कितना टेबल दिखा रहा है, 15 रो दिखा रहा है, 15 टेबल, ड्रॉप टेबल टीचर वन और क्या लिख देंगे, तो ये आपको परमानेंटली टेबल ड्रॉप। और अब आप देखेंगे सेलेक्ट स्ट्रिक्स फ्रॉम टैब, तो नीचे जो लिख रहा था 14 हो गया है ना, यानी कि ऐसे नहीं बनाया, ठीक है, वो परमानेंटली डिलीट, वो अब रिकॉल नहीं। तो ये हो गया आपको व्यू। अब अगले क्लास में बताएंगे और क्या जरूरत हो सकता है। देखिए ये देखिए क्रिएट व्यू फ्रॉम कॉम्प्लेक्स क्वेरी, कॉम्प्लेक्स क्वेरी है ना, कॉम्प्लेक्स क्वेरी से हम लोग अभी जो लिखे वो क्या था, कॉम्प्लेक्स क्वेरी, उससे हम लोग व्यू बना लिए, काम निकल जाएगा। फिर हम लोग व्यू को हटा देंगे, ड्रॉप व्यू, अपडेट करने के लिए अपडेट कैसे व्यू होगा, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।